कहाँ जा रहे हो? I'm going for the swimming pool. So Mohammed is going for the swimming pool with daddy. Yes. Yes. But now I need a tube. What's my tube? Tube. Tube. The moon per tube hai. Tube to. Main tube hai. Baby. कोई बात नहीं, हम आपको बेबी स्विमिंग पूल पे लेके जाएंगे ना। अस्सलाम वालेकुम जी। सो नेक्स्ट डे हो गया है नाश्ता करने के फौरन बाद, बस हम लोगों ने कपड़े चेंज किए हैं, टॉफी मैंने पकड़ी है, कपड़े चेंज किए हैं और हम लोग निकलने लगे क्योंकि हमारा शॉपिंग का काम अभी रहता था। एज यू गाइस नो, मैंने आपको कल बताया था कि हमने शॉपिंग कम्प्लीट करनी है। हम लोग रात को नहीं कर सकते बिकॉज रात को हमारा एक डिनर है एंड वी हैव टू गो देयर ऑन टाइम, तो हम लोग दोपहर में निकल रहे थे। बस मैंने अपने ये कपड़े वगैरह को चेंज किए हैं। जैकेट से आपको लग रहा होगा कि दुबई में जैकेट कैसे काम कर रही है, दुबई में बहुत सर्दी है, रात को आप जैकेट के बगैर नहीं निकल सकते। इतने दिन जो मैं गुजार रही हूँ ना, वो मुझे पता है मैं कैसे गुजार रही हूँ। फिर एनीवेज अब मॉल में जाएंगे, अपनी चीजें कम्प्लीट करेंगे, अपनी शॉपिंग कम्प्लीट करेंगे, उसके बाद आके दोबारा तैयार कर। थैंक यू। Put it in your pocket, na. First, you can take a picture, then you can. We are here at Marks and Spencer, और अभी हम पापा के लिए कुछ लेने लगे हैं। Let's see. उनको कॉलर वाली शर्ट पसंद है, गोल गले वाली नहीं पसंद। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो जिसको पसंद है, जिसको नहीं पसंद हम वो देखते हैं और लेते हैं। वी आर हियर एट जैंट, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट ब्रांड। और यहाँ से हम पापा के देख रहे हैं मार्क्स एंड स्पेंसर पे कुछ हमें पसंद नहीं आया अभी। चलो लेट्स गो इनसाइड। मोहम्मद का हम क्या करें, क्या करें मोहम्मद का हम। सो बस हम पापा से कन्फर्म कर रहे हैं एंड देन वील बाय अ पोलो शर्ट फॉर हिम। These polo bags, यार आई मीन दे आर सो गुड एंड इस पर दिल आ गया मेरा, क्या करूँ, आई लव इट। परफ्यूम्स वगैरह मैंने चेक किया, आई थिंक ये मैं आंटी के लिए ले लेती हूँ बिकॉज पोलो के परफ्यूम्स आंटी को अच्छे लगे थे। पता ट्राई दिस न्यू वन चार्लीज चीज स्टेक सैंडविच। बीफ में नहीं, नॉट लेटस एंड टोमेटोस, नहीं नहीं चिकन, नो लेटस नो टोमेटो, जस्ट एग्जांपल लाइक दैट। एनीथिंग एल्स? दैट्स इट। यू वांट फ्राइज एंड ड्रिंक्स? यस। फ्राइज विद चीज? यस यस। ड्रिंक्स? कोला 7 अप। एंड विद आवर शॉपिंग एंड ट्रस्ट मी, दुबई आने का मतलब ये है कि आप अगर शॉपिंग कर रहे हैं तो यू शुड बी अ करोड़पति। करोड़पति दुबई लेके आए, अपने घरों में नहीं होंगे तभी आप यहाँ से चीज़ें परचेज कर सकते हैं। लाइक एवरीथिंग इज वेरी एक्सपेंसिव, ब्रांड्स इवन आर सो एक्सपेंसिव। आप एक दिन में, आप ये समझ लें कि एक दिन में आपको 1 लाख रुपया लगता है मिनिमम, जिस तरह गुजार रहे हैं सीरियसली। बट अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला सबके सबके नसीब में अच्छे करें। सो मैं ये ट्राई करने लगी हूँ चार्लीज के लिए स्टेक, इट्स गुड, काफ़ी मज़े का लग रहा है। मेरा सैंडविच बनता हुआ कितना यमी लग रहा है, सो गुड। कुछ डिफरेंट ट्राई करना था, एडिसन ने इसके पे चीज़ लगाया अभी। थैंक यू सो मच। सो दिस इज द मील विथ चीज फ्राइज एंड द कोल्ड ड्रिंक, वेरी नाइस। ओह माय गॉड, दिस इज सो गुड मैम, सो गुड, आई कांट इवन टेल यू, बेस्ट फ्राइज एंड बेस्ट बेस्ट। तो ये ओपन करो मोहम्मद, ओपन करो, ओपन करो जोर से, करो आप करो खुद ही। ओके क्लोज, ओपन, कम ऑन कम ऑन। ओह ये, आई विल गिव यू अ स्ट्रॉ, वेट वेट वेट, चिकन पीसेस एंड दिस इज तैमूर फूड सुशी, नाइस। बच्चों के साथ आना इज इम्पॉसिबल। रेमन नूडल्स, अच्छा नाइस। ये किसका है? कटिंग एज सुशी, जापानीज है। यहाँ आप आते हैं जब आपके पैसे ख़त्म हो जाते हैं, आप करेंसी एक्सचेंज करवाने आते हैं, और यानी कि दोबारा पैसे निकलवाने आते हैं अपनी करेंसी को दुबई की करेंसी में। और ट्रेन जाने लगे हैं हम लोग। अस्सलाम वालेकुम जी। सो अभी हम लोग जा रहे हैं अपने एक वॉक पे, कौन सी वॉक? द सिटी वॉक, द सिटी वॉक है। मैंने पहले वो जगह नहीं देखी है, तो बड़ा फैंसी शैंसी तैयार होके गए हैं, लेट्स सी अच्छा सा डिनर वगैरह होगा। We
are here at City Walk. यहाँ हम लोग फर्स्ट टाइम आए. दिस वेरी प्रिटी प्लेस. बहुत प्यारी है. लॉट ऑफ ब्रांड्स, रेस्टोरेंट्स, नाइट लाइफ फॉर द यंगस्टर्स. पूरा प्लेस मैन. दिस इज अनदर दुबई. एक्चुअली दुबई की दो पार्ट्स में, एक ये दुबई है यंगस्टर्स वाला और एक वो दुबई है टूरिस्ट वाला. ये भी टूरिस्ट वाला है बट दिस इज समथिंग एल्स. अभी जब हम गए थे वो आधा रास्ता खत्म था, अब तक लेक ब्लॉक हुआ था लामेर बीच, लेकिन बाहर वाटर क्राउड. दोबारा दुबई आने का दिल करने लग गया. और ये जगह इतनी भासू किस्म की, आई एम टेलिंग यू, मेरा तो कंटेंट बन रहा है फुल ऑन किस्म का. अभी हम यहाँ से एंटर हुए, चलते थे भी लामेर बीच टाइप के, लेकिन ये ज़रा और वाइब देती है ना. तैमूर देखो ये क्या है. वैसे तो इसको ये नहीं दे, पूछ ले वैसे पूछने में क्या है. किड्स एट प्ले. खूबसूरत जगह है. और अभी हम लोग बस सीधे पहुंचे हैं, डिनर वगैरह भी कुछ करेंगे. बट इट्स अमेजिंग प्लेस. वर्चुअल जगह है जिसको नहीं पता, सो डू क्रम. और बहुत क्राउडेड है. ओके टेलिंग यू वन थिंग कि आप बच्चे के साथ जो है ना बिल्कुल भी कहीं नहीं जा सकते. कोई वॉक नहीं आती क्योंकि बच्चा आपको कुछ करने नहीं देगा. ही वॉन्ट समथिंग. कभी ना कभी बच्चों वाली चीज़ के मुझे ये चाहिए वो चाहिए. अब तैमूर आए हैं कि हम यहाँ से गुजर नहीं सकते. उन्होंने कोई ना कोई अट्रैक्शन बच्चों के लिए रखी होती है. फाइनली वी आर हेयर बिकॉज वी कॉन्ट डू अ वॉक विदाउट दी एक्टिविटी फॉर मोहम्मद. इसके बाद नई चीज़ होगी. देखे ना इसमें उन्होंने कितनी कितनी चीज़ें रखी हुई हैं. ये 20 मिनट्स की वॉक है ऑफ 50 दिरहम ऑलमोस्ट. मोहम्मद बी केयरफुल. मोहम्मद आगे देखो. तैमूर मुझे लगता है कि वो साथ कर पड़ेगा. देखें जी बच्चे अपने मस्त माहौल में. समथिंग इज देयर फॉर द किड्स. वो देखें जी, ये देखे, ये देखे जी, ये हमारे बच्चे भी है. मोहम्मद एंड डैडी बेचारे तैमूर साल. लेकिन यहाँ सब पेरेंट्स साथ साथ ही बैठे हुए हैं और मैं बस इनके पीछे पीछे जा रही हूँ. ये कहा जाता है कि दुबई को यूरोप बनाने के, यूरोप बनाते बनाते दुबई यूरोप से बहुत आगे चला गया है. इसलिए आपको सारे फॉरेनर्स यहाँ आएंगे, अपने मुल्क को छोड़ के यहाँ आते हैं देखने के लिए. एंड ट्रस्ट मी, आप दुबई, मैं कोई 4-5 दफ़ा आ चुकी हुई हूँ. मुझे लगता है कि मैं दुबई अभी शायद 2% देखा है, मे बी 5%. स्टिल इट्स अलॉट ऑफ थिंग्स जो रहती हैं. बहुत सी जगह हैं जो नहीं, जो हम नहीं थे. मोर तंग ना करो ना उसे, तंग नहीं करो. जगह हैं जहाँ मुझे लगता था कि मैं नहीं आई और जब हम नेक्स्ट टाइम आते हैं तो और चीज़ें बन गई होती हैं. सो दिस इज इट. दुबई इज़ लाइक, अब नेक्स्ट टाइम आते हो तो कुछ और होता है नया. तो आपको लगता है मैंने अभी एक्सप्लोर नहीं किया. आई हैव हर्ड समवन सेइंग हियर कि यहाँ के रहने वाले ऐसे हैं कि सुबह आते हैं और शाम को लगता है कि नई रोड बन रही होती है. सो इस सामने देखेंगे मुझे सिर्फ लाइट्स हैं. इट्स लाइक समथिंग एल्स. आई हमेशा दुबई को जाते जाते मैं सोचती हूँ कि यार इस दफ़ा आए हैं तो अब कुछ देर बाद आएंगे, लेकिन हमेशा लगता है कि नहीं यार अभी कुछ देखा ही नहीं है. हमने कहा खुद चलाओ, जरा खुद भी चल सकते हैं. छोटे छोटे बच्चे खुद चला रहे हैं. लाइट सिटी वॉक तो खत्म हो गई, अब हमें कहाँ जाएं. देखते हैं, आगे भी अच्छी जगह लग रही है. लेट्स सी वहाँ क्या होता है. आज हम सिर्फ वॉक करने आए हैं और एक्सप्लोर करने लगे इस एरिया को. अब हम इनके अंदर वाले में आ गए हैं जगह पे. ये भी एक मॉल बना हुआ है. इट्स ऑलमोस्ट 12, तो काफ़ी चीज़ें बंद होने शुरू हो गई हैं. जाने वॉक करनी है, इसके अंदर वॉक कर लो. जाओ तो आप जाओ ना. नहीं दोनों तो नहीं जाएंगे, सिर्फ आप जाओ. जाओ 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 अंदर जाओ. वी आर हियर एट दुबई मॉल फॉर द डिनर. इट्स 1 o'clock, लेकिन आज हम पूरी रात बाहर घूमने वाले हैं. ज़रा यशी वाला मूड है हमारा क्योंकि कल हमारी फ्लाइट है. यहाँ वैसे हम इस होटल में रहने वाले थे लेकिन अवेलेबिलिटी यहाँ नहीं थी. इट्स ब्यूटीफुल. तैमूर इसको कितनी देर पहले बुकिंग चाहिए थी हमें करवाना? 3 months. बहुत ज़बरदस्त. तो दिस इज़ अनदर एरिया ऑफ दुबई मॉल जहाँ फाउंटेन वाला होता है. बहुत प्यारी जगह लग रही है. इट्स ऑलमोस्ट 1 o'clock, लेकिन अब हम आए यहाँ डिनर करने के लिए. सो लेट मी शो यू गाइस. Isn't it so good? तो हम बाहर निकल के यहाँ आए थे अल निज़ामी रेस्टोरेंट, जो ईरानी रेस्टोरेंट था. बहुत ही प्यारा लग रहा था. आउटडोर उसका व्यू इतना अच्छा था और काफ़ी मज़े का भी क्राउड लग रहा था. तो हमने सोचा हम यहाँ डिनर करते हैं. और ये काफ़ी फेमस जगह है, आप ज़रूर देखिएगा. ये आपके मेन्यूज़ होते हैं यहाँ थोड़े इस तरह के हैं और ऑर्डर तो समझने दे दिए हैं, वो भी जल्दी आ जाए. सो यहाँ इस तरह की टैब्स जो होती हैं इसमें आपका मेन्यू होता है और इसमें आपको सेलेक्ट करना होता है. दिस इज़ ईरानी रेस्टोरेंट है.
ईरानी रेस्टोरेंट है और ये फाइन डाइन है. मुझे था कि आज हम लोग इस तरह का कोई खाना खाएं और हम इजीली बैठ के इनकी नाइट लाइफ दुबई की इस एरिया के एंजॉय कर सकें. एंड ट्रस्ट मी, दिस इज़ द वन ऑफ द ब्यूटीफुल प्लेस. काफ़ी क्राउडी एरिया होता है. एंड लेट्स सी कि खाना कैसा होता है. आई एम डैम हंग्री. मौसम बहुत अच्छा है. लेट्स सो वेटिंग फॉर द फूड टू कम. अभी जो हमारा प्लेटर हम लोगों ने मंगाया है जिसमें मिक्स ग्रिल वगैरह होता है वो ऑलमोस्ट हम लोग को यहाँ पड़ा है 17,000 का. आई मीन लाइक पाकिस्तानी 17,000 रुपीज़ का हम लोग को खाना आने लगा है. और जो शवारमा है इट वाज अराउंड 8,000. सो लेट्स सी वो जो 17,000 का था वो क्या होता है. आई शो यू गाइस. चीज़ भी दिया उन्होंने साथ. सो आर फूड इज़ हेयर. और आपने देखा होगा कितने मज़े का लग रहा है. बस मैं मोहम्मद को जल्दी से खाना खाती हूँ और खुद खाना खाती हूँ ताकि ठंडा ना हो जाए और मिलते हैं आपको खाना खाने के बाद. दिस वॉज द व्लॉग ऑफ आवर डे. हेल्थ टायर्ड और ऑलमोस्ट इट्स 2:30 है और हम लोग काफ़ी लेट आज होटल आए हैं. खाने की बात करूँ तो मैंने ऐसा खाना ईरानियन आज तक नहीं खाया. वॉज सो गुड, सो डिफरेंट, सो यमी. हर चीज़ 10/10 थी. और ऐसे जगह पे जाना चाहिए आपके एक्सपीरियंस के लिए, वन टाइम एक्सपीरियंस के लिए बहुत अच्छा रहता है. सो दैट्स इट. अभी मुझे पैकिंग करनी है क्योंकि कल हमारी फ्लाइट है. फ्लाइट रात को है, पूरा दिन होगा हमारे पास, लेकिन पैकिंग मुझे आज करनी है क्योंकि हमारा सुबह चेकआउट जल्दी है. सो थैंक यू सो मच फॉर ऑलवेज लाइकिंग आवर वीडियोज एंड व्लॉग्स. और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग. एंड कॉमेंट सेक्शन में बताएगा कि आपको आज के व्लॉग में सबसे अच्छी चीज़ क्या लगी. एंड डू टेल मी कि आपको आज वाली जगह कैसे लगे क्योंकि वो बहुत ही अच्छी थी. काफी न्यू प्लेस अगर आपने विजिट किया तो मुझे जरूर बताइएगा. मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में. मुझे इजाजत दीजिए. अल्लाह हाफिज़.